jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. घंटी बजाओ सारे रास्ते में. Santa Claus आते हैं खुली गाड़ी में. Hello everyone, welcome back to my channel Nisha's Pathshala. Nisha's Pathshala. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas from Nisha's Pathshala. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्रिसमस कैरल क्यों बोला स्टार्टिंग में. मैंने क्रिसमस कैरल इसलिए बोला स्टार्टिंग में क्योंकि हमारी ये वीडियो क्रिसमस एक्टिविटीज पर रहेगी. क्रिसमस एक्टिविटीज, यस यस, क्रिसमस एक्टिविटीज. सो अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. और अगर आप कोई टीचर हैं और आपको ऑनलाइन देखना है, ऑनलाइन क्लास में कुछ एक्टिविटीज करानी है क्रिसमस पार्टी के लिए, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ. बच्चे क्रिसमस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और अगर हमें उनकी एक्साइटमेंट बढ़ानी है क्रिसमस फेस्टिवल के लिए, तो हम उनको अपने साथ एंगेज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ गेम प्ले करा सकते हैं, जिससे क्या होगा उनकी लर्निंग भी होगी और बच्चों को एंगेज भी हम अपने साथ कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आप सब के लिए 4 एक्टिविटीज लाई हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ प्ले कर सकते हो. चलो देखते हैं इस वीडियो में हम कौन सी 4 एक्टिविटीज सीखने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं स्टार्ट. तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है लेटर टू सेंटा. अगर बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में हैं तो ये एक्टिविटी बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे. इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को बोलना है वो एक लेटर राइट करें सेंटा के लिए, जिसमें वो अपनी एक विश लिखें जो वो सेंटा से फुलफिल कराना चाहते हैं. क्या बच्चे प्री प्राइमरी में हैं, सो डोंट वरी, आप क्या कर सकते हो, बच्चे लेटर तो राइट कर नहीं पाएंगे, बच्चे छोटे होते हैं प्री प्राइमरी के, तो आप उनसे वर्बली पूछ सकते हो, प्लीज मुझे बताओ कि आप कौन से विश सेंटा से कंप्लीट कराना चाहते हो. तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या है, वो कौन से विश को पूरा कराना चाहते हैं, टीचर को और पेरेंट्स को ये चीज भी पता चलेगी, और उनसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि वो सोचेंगे अच्छा हमें ये वाली विश पूरी करानी है. उनकी इमेजिनेशन भी क्रिएट होगी इसमें, इमेजिनेशन पावर भी इसमें इंक्रीज होगी, क्योंकि वो इमेजिन करेंगे अच्छा सेंटा आएंगे हमें ये विश पूरी करेंगे. तो अगर बच्चे बड़े हैं तो हम बोलेंगे उनको कि वो एक लेटर राइट करें सेंटा के लिए, और बच्चे छोटे हैं तो उसमें भी कोई वरी वाली बात नहीं है, हम बच्चों को बोलेंगे वर्बली पूछेंगे, ठीक है, उनको एक लाइन देंगे और बच्चों को वो लाइन कंप्लीट करनी होगी. आपके एग्जांपल्स के लिए, आपको ताकि थोड़ा सा एग्जांपल्स मिले, यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज लगा दी हैं जिससे कि आप कॉपी कर सकते हो, ऐसे बच्चों को वो दे सकते हो कि बच्चे इसको कंप्लीट करें. तो हमारी ये थी फर्स्ट वाली एक्टिविटी, लेटर टू टन सेंटा. हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है टेल मी और गेस मी हु एम आई, मैं कौन हूँ. इसके अंदर क्या करना है, अगर आप पेरेंट हो, बींग अ पेरेंट अगर आप ये गेम प्ले कर रहे हो तो भी सेम चीज करनी है, और अगर आप ऑनलाइन क्लास में बींग अ टीचर ये गेम प्ले कर रहे हो तो भी आपको इसमें सेम चीज करनी है. अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ. इसमें आपको क्रिसमस से रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ भी बनना है, ठीक है, आप उसमें सेंटा बन सकते हो. उसके लिए आपको रिडल्स बनाने पड़ेंगे. मैं अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे कि आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा कि ये करना कैसे है. आपको रिडल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्रिसमस से रिलेटेड होना चाहिए सब कुछ, और बच्चों से पूछना होगा आपको, और बच्चों को गेस करना पड़ेगा कि टीचर या पेरेंट क्या बोल रहे हैं, मतलब वो कौन सा करेक्टर प्ले कर रहे हैं. इसमें ना बच्चे बहुत मजा करते हैं, ये मैंने पर्सनली भी ट्राई किया हुआ है. इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगी, मतलब उनकी थिंकिंग पावर भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं, इमेजिनेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और बहुत सारा डेवलपमेंट होगा इस एक एक्टिविटी के थ्रू, और फन तो होना ही होना है. सो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 2. कौन सी,
Guess me, who am I? Activity number 3 है Be a Secret Santa. इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को बोलना है वो क्रिसमस वाले दिन किसी ना किसी एक पर्सन के सेंटा बनेंगे. अब सेंटा हैं तो सेंटा क्या करते हैं, सेंटा खुश करते हैं. तो बच्चों को क्या करना है, अब किसी भी पर्सन को एक हैप्पी करना है, वो कैसे भी कर सकते हैं. मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को बोलें वो किसी भी एक पुअर चाइल्ड को या पुअर पर्सन को कुछ भी डोनेट करें, जिससे कि वो बच्चा तो हैप्पी होगा ही और साथ में आपके बच्चे भी हैप्पी होंगे क्योंकि उन्होंने डोनेशन की होगी किसी चीज़ के लिए. तो वो बन गए ना किसी एक बच्चे के लिए बी अ सीक्रेट सेंटा. तो ये वाली एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी. आप प्लीज़ ये वाली एक्टिविटी तो ज़रूर अपने बच्चों से कराना. एक्टिविटी नंबर 4 है, एक हम अभी इस वीडियो में बहुत ब्यूटीफुल सी राइम, छोटी सी राइम सीखेंगे जो बच्चे बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं. या तो आप राइम, यही वीडियो दिखाना राइम की जो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, या तो आप सीखो और अपने बच्चों को ये राइम सिखाना. बहुत बच्चे इस चीज को एंजॉय करने वाले हैं. चलो फिर सिखाते हैं आपको एक अच्छी सी छोटी सी राइम. जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. घंटी बजाओ सारे रास्ते में. घंटी बजाओ सारे रास्ते में. सेंटा क्लॉज आते हैं खुली गाड़ी में. सेंटा क्लॉज आते हैं खुली गाड़ी में. सर्दी का मौसम आया लेकर क्रिसमस का त्योहार. सर्दी का मौसम आया लेकर क्रिसमस का त्योहार. हे घंटी बजाओ सारे रास्ते में. सेंटा क्लॉज आते हैं खुली गाड़ी में. हे जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे. ये वाली राइम बच्चे, ये वाली पोयम, बहुत सॉन्ग राइम पोयम आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं. छोटी सी है लेकिन बहुत बहुत बच्चे इसको एंजॉय करने वाले हैं. सो आप ये वाली राइम बच्चों को या तो डायरेक्ट दिखाना वीडियो में, या तो आप सीखो और बच्चों को सिखाना ये वाली राइम. सो आई होप आपको ये वीडियो, ये 4 एक्टिविटीज अच्छी लगी होंगी और आप अपनी ऑनलाइन क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ गेट टुगेदर कर रहे हो क्रिसमस के लिए, तो भी आप ये वाली गेम्स एक्टिविटीज प्ले कराने वाले हो. अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, कीप स्माइलिंग ऑलवेज. बाय, टेक केयर.